अब इन दोनों के फर्क से हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपने लिए पेज पे अपने पास ये चार क्वाड्रेंट्स बनाएं। अब आपने सबसे पहले उस नीचे वाले में जाना है, यहां पे आप लिखे नीचे वाले कॉलम में नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बताती हूँ यूजली जो लोग कहते हैं इसमें क्या चीजें फिट इन होती हैं। इसमें हमारे पास फिट इन होता है हर वो चीज जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। मसलन शॉपिंग्स, एक तो इम्पॉर्टेंट शॉपिंग है विंडो शॉपिंग। कोई जा रहा है तो मैंने अपने सारे काम छोड़ के उसके साथ जाना है क्योंकि मैंने हर हाल में अप टू डेट रहना है। इसी तरह हर वक्त सोशल नेटवर्किंग के साथ ग्लूड रहना है। इसी तरह एंटरटेनमेंट जितनी है फिल्में गाने ड्रामे हर चीज के ओर डिस्कस करना खोल खोल के गॉसिप, एक बात को छह छह दफा किसी के साथ बैठ के करना, टीम में अगर आप काम कर रहे हैं तो सारा दिन पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहना जिससे हासिल कुछ नहीं होना, जो फैसले हो गए हैं वो हो गए, टेलीफोन कॉल्स लंबी लंबी बातें करना, ये सारे टाइम वेस्टर्स हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगी जो मैंने आपको कॉलम बनवाए हैं ना, आप इस कॉलम में जो आपके अपने पर्सनल टाइम वेस्टर है ना जिनको आपको नजर आ रहा है इसमें से किसी चीज में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं आप वो लिखिए। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि गॉसिपिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या मैं अपनी मम्मी के साथ गॉसिपिंग करती हूँ, क्या मैं अपनी बहनों के साथ गॉसिपिंग करती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि गॉसिप कहते किसे। देखिए बेसिकली गॉसिप तो होती है ना जो बैक बाइटिंग होती है, जैसे हम अपने बच्चों से पूछते हैं आज दिन कैसा गुजरा क्या किया, तो वो गॉसिप तो ना हुई ना, लेकिन अगर हम किसी के टो में चले जाएं वो अब उस जुमरे में आ जाएगी। ऐसा भी होता है कि बच्चों की क्लास में या किसी भी वर्क प्लेस में कोई फ्रैक्चर होता है, हम रोज बच्चों से उसकी अपडेट ले लेते हैं, अच्छा उसने आज क्या किया, उसने आज ये किया या क्या, मतलब एक क्वाइट पॉसिबल कि वो सोशली बहुत उस बच्चे के एक्सपोजर हो, मतलब फिर बच्चे भी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सबको नोटिस करने लग जाते हैं, या फिर मदर लग से कि वहाँ गए तो क्या किया, क्या खाया पिया, क्या उन्होंने सर्व किया, किस तरह से एंटरटेन किया, फिर वो चीजें गॉसिप से मेरा ख्याल है। बिल्कुल, जो टाइम वेस्टर हो जाएगा जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। गॉसिप इज नॉट अ स्पाइट का आंसर आता है, गॉसिप इज नॉट पॉजिटिव टर्म। जैसे अब हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि हमें बताएं कि सारा दिन क्या हो रहा है, कि हमें पता चले उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो वो भी गॉसिप में नहीं आ सकता, गॉसिप में नेगेटिव आंसर आता है। बिल्कुल, बच्चों से या फैमिली से बात करने में किसी की बैकबाइटिंग आप नहीं करें तो एक कम्युनिकेशन लेवल भी तो आप एक रिलेशनशिप बिल्डिंग है। मैंने एक चीज इतने डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं कि घंटे बाद मुझे एहसास होता है कि जो मैं वहाँ पहुंची ना कुछ मिल जाता है अभी हमें कि एक फोन कॉल है नहीं, फेसबुक है नहीं, व्हाट्सएप है नहीं, ईमो है नहीं, गैलरी है सब आप नहीं जी। मतलब आप खोलते इसलिए कि मैं वो जो दुआओं वाली ऐप है या कुरान वाली ऐप है वो पढ़ूं, लेकिन आप कहते हैं अच्छा वो ये जरा आई में मैसेजेस ये भी चेक कर लूं कि क्या है। अच्छा, इनके बारे में क्या कहा जाता है, जो लोग टाइम वेस्टर्स में रहते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, सुस्त लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये टाइम वेस्टर में होते हैं तो इनके जो बाकी कॉलम्स हैं वो पीछे चली जाती, बिग रॉक्स पीछे श्रिंक हो जाती है। अच्छा, एक चीज ये याद रखनी है, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई टाइम वेस्टर नहीं है। यानी जब आपकी जिंदगी में टाइम वेस्टर है यू आर अ नॉर्मल पर्सन, मतलब अलर्ट रहेंगे हम लेकिन होंगे। हमारा काम क्या होगा, हम हर वक्त उनको मैनेज कर रहे होंगे, कभी एक टाइम वेस्टर आ जाएगा कभी दूसरा आ जाएगा, कभी वो मिनिमाइज हो जाएगा लेकिन हम वो भी दूसरे क्वाड्रेंट के इशू में चले जाएंगे। तो आपने ना कॉन्स्टेंटली अपने आप को एनालाइज करना है कि अगर मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रही हूं, मैं अपने काम पूरे नहीं कर पा रही हूं, मैं बच्चों के काम नहीं पूरे कर पा रही हूं, मेरी जो मतलब इवन नमाजें सफर कर रही हैं, मैं कुरान उतना नहीं पढ़ रही हूं, मैं जो अपनी सिला रहमी है रिश्तेदारों से मिलना है कोई प्रायोरिटी पे चीजें वो नहीं कर पा रही हूं, तो प्रॉब्ली मैं आजकल टाइम वेस्टर्स में फंसी हुई हूं। बस ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज, फायर्ड फ्रॉम वर्क, अगर आपको लगता है कि कोई काम आपका जो आप करते थे वो नहीं कर रहे, उसमें और फैक्टर्स भी हैं, सिर्फ इसी को नहीं सोचना, लेकिन आपने ये जरूर सोचना है कि मुझे क्यों नहीं ये काम दिया गया, क्या पता मैं वो काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो नहीं सही कर रही थी इसलिए मुझे उसे हटा के कुछ और दे दिया गया, कि मेरे एंड पे कोई मसला हो रहा था, मैं कहीं पे टाइम वेस्ट कर रही थी।
और क्योंकि जब आपका वक्त तो वही 24 घंटे है ना, अगर आपका वो टाइम वेस्टर में चला जाएगा तो आपकी काम की वो क्वालिटी नहीं रहेगी। तीसरी चीज क्या है, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर आपने फर्ज करें जी इधर उधर टाइम जाया किया, आप लेसन नहीं लिखा, तो आप दूसरे से कहेंगे तुम मुझे सुनाओ। दरअसल ना मेरे पास ड्रॉप बॉक्स से फाइल सुनने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिखवा दो, मैं अपना लेसन कर लेती हूँ। तो अब आपका क्या होगा, अगर आपने इस तरह की डिपेंडेंसी शो की, मुझे अपना लेसन प्लान दिखा दो, मुझे अपने फ्लैश कार्ड दे दो। कभी कभार तो हो सकता है ना आप किसी काम में स्टक थे, आपने पहले कहा कि इस दफा मैं ये नहीं कर सकूंगी, मेरी ये कमिटमेंट आ गई है। लेकिन कुछ लोगों का ये हैबिचुअल साइकिल होता है, उसकी वजह से क्या होता है उनको काम नहीं दिया जाता। मेरे पास जब भी कोऑर्डिनेटर्स आती हैं मुझे कहती हैं मैं क्या करूं, वो शख्स साउंड फाइल सुनता ही नहीं है और वो किसी से पॉइंट्स ले लेता है, और वो टीचर कहती है फर्क क्या पड़ता है, मैंने लेसन तो ले लिया। बहुत फर्क पड़ता है। अल्लाह ताला को वो लोग चाहिए जो मुखलिस होकर फोकस होकर उसको प्रायोरिटी रख के काम करें। अगर फर्ज करें कि मैंने किसी की ड्यूटी चेंज की है, उसकी किसी जेन्युइन वजह से की है, अब वो इस दुख में चली जाएगी कि शायद मैं टाइम वेस्टर हूँ, शायद मैं जो इरिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी ड्यूटी बदल दी। मुझे पर्सनली फील होता है कि जब अपने टाइम वेस्टर की वजह से मैं बुक्स पूरा जब पढ़ने लगती हूँ तो मेरी इबादत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको टाइम उसकी से तो निकाल रहे हैं ना, तो अगर आपको ये ना भी नजर आए तो आपको अपनी जिंदगी में वैसे भी उसका इफेक्ट निकल रहा है। आप जरा रिमी फिट करा जाते हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, आप इबादत से पीछे हट जाते हैं, तो हर चीज को देखना चाहिए। बिल्कुल, इससे बचने का जो एक तरीका है जो बहुत अहम है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया टाइम वेस्टर को, तो अब आप क्या करेंगे कि आप उसको रिप्लेस करेंगे किसी अहम काम से। आप जितना ज्यादा अपने अहम काम डालते जाएंगे उतना टाइम वेस्टर्स कम होते जाएंगे। मसलन अगर मुझे कल सुबह को एक सेशन प्रिपेयर करना है और कहीं जाना है, डिलीवर करना है, और मैं अगर शाम को बैठी हूं और मुझे जितना मर्जी कोई टेम्प्ट करे, आप कॉफी पीते हैं, आप गपशप लगाते हैं, मेरी टेंशन होती है मुझे कल के लिए अपनी वो तैयारी सही करनी। तो टाइम वेस्टेज से बचने का ये बहुत अहम जरिया होता है कि आप अपने आप को किसी भी शक्ल में कमिट कर दें किसी प्रोडक्टिव काम को। आपने कमिट किया नहीं, आपके टाइम वेस्टेज छूट जाएंगे। अब आप अगले कॉलम में आ जाएंगे, और अगला कॉलम कौन सा है, ये वाला, जिसमें अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट में ऐसी चीजें होती हैं, मसलन फोन कॉल है। कौन सी फोन कॉल है, अब आपके सामने फोन होता है पड़ा हुआ, अब तो कॉलर आईडी भी है। मसलन आप फर्ज करें आप अपना लेसन प्रिपेयर करने लगे, आप नमाज पढ़ने लगे, आपने कहा कि मैंने कुरान की तिलावत नहीं की, फ्राइडे का दिन आपने कहा मैं सूरह काहफ पढ़ने लगी, कोई भी आपका अहम काम है, बच्चों को आपने पढ़ाना है अपने, या घर में आपने कोई खाना बना रही हो वो जरूरी है उस वक्त बनाना, यानी आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं असेस करते ये जरूरी है कि नहीं, वो आपके लिए जरूरी है काम, आप वो काम कर रहे हैं और उस वक्त किसी का फोन आ जाता है, हम अपना फर्ज समझते हैं कि उस फोन को मैंने उठाना है। अब हमने फोन उठाया, वो हमारी दोस्त है, बहन है, कुलीग है, वो पूछती है बिजी हो, क्या कर रही हो, क्या कहते हैं हम, मैंने जितनी दफा ये वर्कशॉप कराई है हमेशा ये जवाब दिया। अब वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है, 5 हफ्तों की, 6 सालों की, मैं शहर गई, मैं गाँव गई, मैं कॉलेज में थी तो ऐसी थी, पता है ना मेरा ससुराल ऐसा था, मेका था, वो कहानी आपने 100 दफा उससे सुनी होती है, वो तमहीद वहीं से बांधना शुरू करती है, आप सोच रहे होते हैं वो आगे बोले, आपके सामने इम्पोर्टेंट काम है, बच्चे हैं तो वो छलांगे लगाते हुए उठ के चले गए हैं, वो कह रहे हैं शुक्र है अम्मा का फोन आया है, मियाँ हैं तो घूर रहे हैं, ससुराल वाले हैं तो मूड खराब कर रहे हैं। अच्छा अगर कोई भी नहीं, आप अकेली हैं, आपको टेंशन है, आपके पास यही घंटा था, आपकी 2 दिन बाद क्लास है, आपने उस काम को कंप्लीट करना था, आप कभी सफे उल्टा रही हैं, वो पूछती है तुम सुन नहीं रही हो, आप कहते नहीं सुन रही हूं। और जब आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया, अब आपने बात करके बंद किया, अब आपका मूड खराब हो चुका है, अब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, अब आप या जो काम करना था आप कहती हैं फारिग हो गई हूं, बल्कि हम उसके बाद यही गीबत सेशन शुरू करते हैं, या मियां के सामने कहते हैं कि लोग अजीब हैं, लोगों को वक्त की कदर नहीं है, लोगों का वक्त बर्बाद करते हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं, फोन कर देते हैं, घरों के अंदर घुस आते हैं, ये तो फोन अजाब है, या अपने दोस्त को किसी को फोन करती है मुझे नहीं समझ आती, देखो मैं लेसन प्रिपेयर कर रही थी, पता नहीं अजीब है ये, वैसे इसकी आदत है, ये इसका कोई मसला है, ये बार बार अपना इशू मुझे सुनाती रहती है, ये मसला नहीं हल करती, और हम
इस तरह की और टाइम वेस्टर्स में चले जाते हैं। कई लोग बंद करके कहते हैं चलो फिर अब मैं कॉफी पीती हूँ, अब मूड इतना खराब हो गया बाजार का एक चक्कर लगाती हूँ, और हम उस दिन अब पढ़ते नहीं, अपना काम छोड़ देते हैं। इसी तरह हमारे पास सरप्राइज गेस्ट आते हैं, अर्जेंट है ना, बेल होगी एकदम से आपके ससुराल वाले खड़े हुए, आपकी कोई हमसाई खड़ी हुई है, आपके मेके का कोई ऐसा रिश्तेदार है, कजन है, और लोग बताए बगैर आते हैं, चाहे लाहौर से हैं, कराची से हैं, अनअनाउंस्ड, गेट खुलता है टन बेल हुई और बेल होती है और आप दरवाजा खोलते हैं और आगे सरप्राइज गेस्ट। अच्छा, और वो क्या कहते हैं, मौसम बहुत अच्छा था, हमने सोचा तुम्हें मिलते जाएं। और उस वक्त अगर तो कोई लोकल गेस्ट है जो कि ऐसे टाइम पे आया है, जैसे आपने, वो कहता है मैंने सोचा तुम्हारे साथ चाय पीऊं, मौसम अच्छा है, पकौड़े खाऊं, बैठ के गपशप लगाए, कॉफी पीते हैं, और हम कोई जरूरी काम कर रहे थे, फारिग नहीं थे, कोई जरूरी काम था हमने करना, हम क्या कहते हैं, हाँ 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 आ जाए, अंदर आग लग जाती है, क्या मुसीबत है। वो कहती है कि मैंने सोचा कि तुम ना कॉफी बड़ी अच्छी बनाती हो, तो मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। हम कहते हैं नहीं नहीं आप बैठे, मैं आपके लिए केक बेक करती, आधे घंटे में बेक हो जाएगा, मैं आपके लिए पकौड़े बनाती हूँ, फिक्र नहीं करें। उसको बिठाया, अंदर किचन में गए, गुड़ 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 गुड़, लोग आ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर उस वाके का चाट भी बना लेती हूँ। यानी उसको कुछ कह रहे हैं और पीछे से कुछ और कर रहे हैं। वो इंसान तो हमेशा आएगा, वो आपकी बाहर जाके तारीफ कर रहा है कि भाई मैं कॉफी पीने गई थी, उसने इतने मजे की चीजें मुझे खिलाई, लेकिन हमारा हाल बुरा हो गया उस पर। या अगर हमारे दूर से मेहमान आए, जैसे ऐसे लोग आए हैं एन खाने के वक्त आए हैं, और अक्सर आप नोट करेंगे जिस दिन आपके घर मेहमान रहने आते हैं उस दिन या तो आपके घर दाल पकी होती है या खाली सब्जी होती है, या उस दिन जो थोड़ा सा सालन था वो आप खत्म कर चुके होते हैं, उस दिन आपकी ग्रॉसरी भी नहीं होती। हम क्या करते हैं, फौरन उठते हैं, वो मेहमान आया अंदर से तो मूड खराब हो जाता है, चाहे वो मैका हो, ससुराल हो, मियाँ के दोस्त हो, अपने जानने वाले कोई भी हो, कि भाई मतलब लाइक इतनी कर्टेसी लोगों में होनी चाहिए। और कई दफा हम लोगों के हुलिये देख के कहते हैं इन्होंने दीन पढ़ा हुआ है, इनको ये नहीं पता, बता के आना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको बिठा कर अब हमारी किचन की दौड़ शुरू हो जाती है, अब हम खाने बना रहे हैं कि मियाँ को कह रहे हैं आप जाके उनसे बात करें, बाद में हमने मियाँ से लड़ाई का पूरा प्लान बना लिया है, डायलॉग्स लिख लिए हैं कि मेहमान को जाने दो, मैं इनको बताऊंगी, आपके मेहमान हर वक्त आ जाते हैं, लेकिन हमारा हाल बुरा हो रहा है, हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, जल्दी से सब्जी कटी हुई निकाल रहे हैं, फिर हम कबाब के फ्रीजर में से निकाल रहे हैं, कबाब भी खत्म हुए हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, आजकल ये काम भी शुरू हो गया, खुद ही ऑर्डर कर रहे हैं, खुद ही मंगवा रहे हैं, ड्राइवर को भेज रहे हैं, बच्चा कोई बड़ा उसको कह रहे हैं जाओ 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 जल्दी से ये लेके आओ, मतलब एक हंगामा क्योस मचा हुआ है। मेहमान जब सामने बैठा टेबल पे तो उसको तो A1 खाना मिला, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको लगा कि इनके लिए कोई मसला ही नहीं होता। तो ये जो इंटरप्शंस होती हैं अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट, ये हमें बहुत बॉदर करती हैं। अब मैं ये चाहूंगी कि आप अपने लिए लिखें कि आपके घर में इस किस्म की कौन कौन सी इंटरप्शंस होती हैं, जब आप जरूरी काम कर रहे हैं और कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक वही पर्टिकुलर बंदा है जो आपके लिए ये वाला इश्यू लेके आता है। जो काम हम इस क्वाड्रेंट में रहके करते हैं इनको कहा जाता है दे आर यस मैन, इनको रिफ्यूज नहीं करना आता, इनको नो नहीं कहना आता। इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि शॉर्ट टर्म फोकस के साथ होते हैं, यानी इन्होंने हर थोड़े दिनों बाद या डेली इनके सामने ये मसला बार बार आ रहा होता है और ये उस मसले को रिपीटेडली उसी तरह हैंडल कर रहे होते हैं और वे दुआएं मांग रहे होते हैं कि अगली दफा ये नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा होता कि भाई अगर ये मसला मेरी जिंदगी में बार बार आ रहा है, इसमें इशू क्या है, इसको मैं किसी तरह रिजोल्व करूं। दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट में होता है ना, किचन में जाके जो क्राइसिस है, जो इंपॉर्टेंट काम करना था उसका क्राइसिस है, फोन सुन के जो रखा, अब जो बच्चों को पढ़ाना था उसका क्राइसिस, हर वक्त क्राइसिस रहता है इनकी लाइफ में, दे फील लाइक अ विक्टिम आउट ऑफ कंट्रोल। अक्सर खवातीन ये कहती हैं मैं क्या करूं, मतलब मेरे हस्बैंड के मेहमान आते हैं, मैं क्या करूं, मेरे मैके वाले हैं ही ऐसे, मेरे ससुराल वाले ऐसे करते हैं, अब देखिए ना फोन बज रहा है तो अब मुझे सुनना तो पड़ता है ना, हो सकता है उस शख्स को कोई इमरजेंसी हो। और फिर उसके साथ क्या, इनके रिलेशनशिप बहुत शैलो होते हैं, अब ना ये लोगों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखिए ना जो जिस शख्स ने फोन किया उसका फोन का नंबर देख के खुशी नहीं होती, जैसे वो फोन आते कहते अल्लाह फिर इसका फोन आ गया, बेल होती है वो लोग दरवाजे पे नजर आते होंगे तो फल्ला काश मैं ना मोहल्ला बदल लूं,
کہ ہر دوسرے دن چائے پینے آ جاتی ہیں، میرا ٹائم ضائع کرتی ہیں. رشتے دار ہم کہتے ہیں میرے کیسے رشتے دار ہیں، یعنی کئی دفعہ وہ لوگ ہماری دوسری جگہوں پہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے مجھے وقت دیا، اس نے میری بات سنی، اس نے یہ کیا، لیکن ہم اپنے اینڈ پہ اتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں. اب ہم نے اس پہ کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں نو کہنا آنا چاہیے. نو کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پتھر ماریں، چاقو چھریاں ماریں، لوگوں کو تنگ کریں. ہو سکتا ہے ایک شخص آیا دکھی ہے، بہت پریشان ہے، میں اس کو ٹائم دے دوں گی، میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور ارجنٹ نہیں ہے، لیکن اس شخص کے لیے بہت امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کی بات سن لوں، میں اس کو وقت دے دوں گی تو اللہ میری زندگی میں کتنی برکت ڈالے گا، اس کی دعائیں مجھے لگیں گی. لیکن فرض کریں آپ نے ایک گھنٹے بعد کسی کو جا کے پڑھانا ہے، آپ کے بچے کا ایگزام ہے، اگر آپ اس وقت نہیں پڑھائیں گی اگلے دن وہ فیل ہو جائے گا. کوئی اور آپ کی نماز ہے وہ قضا ہو جائے گی. اس طرح کی کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ہر حال میں اس وقت کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ فارغ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے لو جی فون آئے میں نہیں اٹھاتی، آپ کا کوئی مہمان آیا ہے آپ اس کو اٹینڈ ہی نہ کریں، آپ کے بتائے بغیر آتے ہیں میں کچھ کھلاؤں گی نہیں، یہ وہ سچویشن نہیں ہے. یہاں پہ ہم اس سچویشن کی بات کر رہے ہیں جب آپ نے بہت اہم کام کرنا ہے اور اس وقت جو ڈسٹربنسز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے اہم نہیں ہے کام، لیکن آپ کے لیے اہم ہے. آپ اس کو پرائیورٹی پہ رکھتی ہیں کہ یہ مجھے کام اس وقت کرنا ہے. اب آپ نو کہنے کا سمارٹ طریقہ سیکھیں گے. مثلا فون ہے، اب فون پہ کالر آئی ڈی آ رہی ہے، نہ اٹینڈ کریں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو لوگ 100 دفعہ کال کرتے ہیں اور میسج نہیں چھوڑتے انہوں نے کوئی امپورٹنٹ بات نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ آج کل تو میسج لوگ کر لیتے ہیں. اچھا اب یہ نہیں ہے کہ کسی کے 100 دفعہ فون آ رہا ہے اور میں اٹھاؤں نہیں کہ کرتے رہے فون، اگر میں فارغ ہوں میں اٹھاؤں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں بھی لوگ 15 منٹ کی تمہید میں وقت ضائع کرتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، مجھے پتہ ہے بہت مصروف ہیں، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ضروری بات تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کر لوں. السلام علیکم، میں فلاں بول رہی ہوں، میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، بات ختم ہو جائے. آپ لوگوں کو ٹرین کریں کہ آپ کو میسج کریں، کیونکہ میسج میں چاہے وہ وائس میسج ہے چاہے وہ ریٹن میسج ہے، لوگ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے. لوگ کبھی بھی لمبی بات نہیں کھینچ کے لے کے جائیں گے. بہت ساری آپشن ہیں اس میں نو کرنے کی. بہت امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، بار بار فون بج رہا تھا، میسج آیا آپ نے دیکھ لیا. پہلی سچویشن یہ کہ میسج میں وہ کہتی ہے مجھے بہت ضروری آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ کے 2 منٹ چاہیے. اب آپ نے 2 منٹ کے لیے اٹھا لیا فون، لیکن پھر آپ نے فون کو 2 منٹ میں ہی بند کرنا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے 2 منٹ 2 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگا کہ انہوں نے تمہید وہی شروع کی 5 دن پہلے، 8 سال پہلے، 6 مسئلے جو پہلے وہ بتا چکی تھی، تو آپ ان کو بہت پولائٹلی لیکن ایک فرم اسرٹیو انداز میں کہیں گی پتہ ہے کیا، میں ذرا ایک ضروری کام کر رہی تھی، میں انشاءاللہ فارغ ہو کر آپ سے بات کرتی ہوں. شروع میں لوگ مائنڈ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو ہم اپنے بیہیویئر سے سکھا دیتے ہیں وٹ از اپروپریٹ فار می، وٹ از ایکسیپٹیبل فار می. اور کیونکہ آپ نے بدتمیزی نہیں کی ہوتی تو لوگ آہستہ آہستہ اس چیز کے لیے ٹرین ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں. ہم نے کیونکہ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ جہاں مرضی آئیں جو مرضی کہیں، اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہوتا اگر وہ ہمیں مس یوز کرتے ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو بعد میں فون کر لیا. دوسری آپشن کیا ہے، آپ نے فون نہیں اٹھایا، آپ کو میسج آیا میں نے ضروری بات کرنی ہے، کین اٹ ویٹ فار 2 آورس، کین وی ٹاک ٹمورو. اور اگر آپ نے فرض کریں اٹھا لیا فون، کوئی ایسا رشتے دار ہوتا ہے، کوئی سینسیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ برا بنا جائے گا، تو آپ نے اٹھا ہی لیا، آپ ضروری کام کر رہے ہیں، اور جب وہ کہتی ہے آپ بزی تو نہیں، تو کیا کہنا چاہیے؟ میں بزی ہوں جی، میں ضروری کام کر رہی تھی. اور اگر وہ شخص آپ کو کہتا ہے کہ اچھا پھر بعد میں بات کر لیں گے، تو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. بس یہ ہے، جب کہتے ہیں نا ہاؤ ٹو سے نو، اس میں آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے. اگر وہ شخص کہتا ہے میرے پاس ضروری بات ہے، تو آپ کہیں میں 5 منٹ آپ کو ابھی دے سکتی ہوں، بعد میں پھر ہم ڈیٹیل میں بات کریں. فرض کریں اس کا بہت بھیانک مسئلہ ہے جو کہ 2 دن کیا 2 ہفتے بھی انتظار کر سکتا ہے، لیکن اس کو ابھی آف لوڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ بہت پریشان ہے. پھر آپ اونرشپ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو میسج یہ دیتے ہیں میں بہت ضروری کام کر رہی ہوں لیکن یہ شخص پریشان ہے، مجھے اس کو ٹائم دینا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے.
ये सिर्फ अर्जेंट है, तो मैं इसको जो टाइम दे रही हूं ना, मैं इस नियत के साथ दे रही हूं कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में और मेरी जिंदगी में बरकत डालेगा, ये शख्स दुआ देगा मुझे, और आप फिर उस काम को छोड़कर फिर आप उससे बात कर लेते हैं, लेकिन फिर आप कंप्लेन नहीं करते, आप दिल में कुड़ते नहीं है, फिर अपनी नीयत पे चेक रखना है, क्योंकि हम वक्त भी दे देते हैं, फिर हम कुड़ते भी हैं, फिर हम लोगों को बताते भी हैं।